चैनल द क्राफ्टी क्राफ्ट वर्ल्ड। सो गाइस, आज का जो DIY है उसमें हम इस मिट्टी के हार्ड भी हो जाएगा। तो आप लोग पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए पेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट चाहिए। और इसको आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पेस्ट को अप्लाई कर लेना है। गाइस, अगर आप नहीं चाहते हो वाइट सीमेंट यूज़ करना तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो। सिंपल न्यूज़पेपर का कवर रख सकते हो ऊपर से जो ढक्कन है, या तो क्ले का भी यूज़ कर सकते हो इसका बनाने ये बनाने के लिए। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला तरीका, क्योंकि ये वाला तरीका बहुत इजी भी है और इसमें शेप्स भी परफेक्ट आते हैं। बट क्ले में थोड़ा मुश्किल होता है शेप देना, तो आई प्रेफर दिस। सो मैंने यहाँ वाइट सीमेंट से एक छोटा सा बॉल बनाया है और उसको यहाँ ऊपर में लगा दिया है। सो ये हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम एक सैंड पेपर लेंगे और इसके रफ सरफेस को स्मूथ करेंगे। सो गाइस, नाउ आवर परफेक्ट ढक्कन इज रेडी। सो अब हम यहाँ कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ फेब्रिकल एयर ड्राई क्ले लिया है, तो उसी से हम कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस बनाने वाले हैं। ब्लैक कलर का यूज करेंगे। ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है मुझे, रेड एंड ब्लैक का। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताओ। यहाँ अंदर भी मैं रेड कलर का यूज कर रही हूँ। सो पेंट अब ड्राई हो चुका है, अब हम डिजाइन को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ मैं सिल्वर पार्ट
पाउडर का यूज करूँ, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है और अपने उंगलियों से ही इसके ऊपर हल्का हल्का रब करना है तो अपने आप ये डिजाइन हाईलाइट हो जाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितने अच्छे से डिजाइन हाईलाइट हो रहे हैं। सो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके डिजाइन को और एनहेंस करने के लिए हम इसमें मिरर स्टिक करेंगे, तो मैं यह ग्लू यूज कर रही हूँ मिरर स्टिक करने के लिए। एंड अब ये कम्प्लीटली रेडी हो गया है, आप देख सकती है कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर लग रहा है। एंड अब टाइम है इसको प्लेस करने का, सो लेट्स गो। सो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये एक टी टेबल के ऊपर प्लेस किया है, इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी सुंदर है तो ये अपने बैकग्राउंड के साथ मैच भी हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ प्लेस किया। आप लोग के घर में भी टी टेबल या डाइनिंग टेबल हो, वहाँ आप मिडिल में या किसी कॉर्नर में इसको प्लेस कर सकते हैं, फिर आप लोग किचन कॉर्नर्स पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ, एंड अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो वो भी दे सकते हो। और आप लोग अगर चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे और भी मज़ेदार DIYs लेके आने वाली हूँ। एंड गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बाय, सी यू।